पूछा कितना बनाया, तो हम सोचे कि लगभग 142 बनाए थे, लगभग 130 मतलब वही लगभग बनाया था। फिर सोचे कि क्या बोले 142, बोले पूरा बना दिया। तो लोग आश्चर्य से कितने हुए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम कैसे बना सकता है, फिर आपको लगा हो कि नहीं मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे थोड़ा इसको कम करना चाहिए लोगों के सामने। नहीं, पूछने वाले भी वही लोग थे ना जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठे थे। अच्छा, तो उनको पता ही नहीं था क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कि कितना बनाना पड़ता, नहीं बनाना पड़ता, बस सिलेक्शन हुआ, अच्छा कॉलेज मिला, बहुत काफी है। कितना नंबर आया नहीं कोई मतलब नहीं है। जी, ये क्वेश्चन मैं इस सेंस में पूछा था, मान लीजिए कभी आप 100 नंबर का एग्जाम देगा एलपी में, मान लीजिए किसी को मैंने बोल दिया 95 अटेम्प्ट किया, तो सामने वाला तो बोल देगा 95 कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तब मेरे को लगता नहीं आप ज्यादा हो गया, आप कम करना चाहिए था। तो एलपी वाले जो कैंडिडेट होंगे या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो बोलेंगे कि ज्यादा हो गया, सही। आप घर पे जाकर बोलते कितना गया था, 100 का 95 सारा अटेम्प्ट। चलो ठीक है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा था? और मेरा रैंक था 236 236, ऑल ओवर झारखंड। आपका फिर कहाँ एडमिशन हुआ? हम लोग किसी भी कॉलेज में मिल रहा था, ऐसे आदित्यपुर का था फर्स्ट नंबर पे। मतलब आप इन द सेंस, मतलब आप जिस कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि मिनिमम एक कॉलेज में कितनों कम सीटों को, 300 सीटें तो होंगी ही होंगी आराम से। ठीक है, मतलब आपको अगर आपका 500 रैंक है तो आपको झारखंड में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हम रांची चुने। तो ऐसा क्या रीजन था कि आपने वहीं का क्यों चुना? रांची में क्योंकि घर से थोड़ा नजदीक था कहने का मतलब, क्योंकि और दूसरा चीज था कि रांची राजधानी में था और सबसे अच्छा सा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली में वो जो एज होता है मैट्रिक का राउंड आउट, हम लोग का एज बहुत कम होता है, तो समझदारियां भी नहीं होती है, और आपका एक पर्टिकुलर मेंटोर हो तब तो ठीक है, लेकिन मेंटर नहीं होता है उस केस में कभी कभी होता है कि छात्र गलत डिसीजन ले लेता है। नहीं तो ये मेरा खुद का डिसीजन था, रांची में रहना और डिप्लोमा करना, इसके पहले सारा डिसीजन है मैं जो ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टेंथ करने के बाद दो ऑप्शन था, या तो इंटर करके आईआईटी का तैयारी करना या डिप्लोमा करना, और सारे का मन था कि भाई इंटर करो आईआईटी करो, ये मेरा खुद का सिर्फ डिसीजन था कि हम डिप्लोमा पे जाना। तो आपको बाद में कभी इस डिसीजन के लिए रिग्रेट हुआ कि नहीं ये मेरा डिसीजन गलत था, मुझे कुछ और करना चाहिए था? आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, तो कैसा रहा आपका कॉलेज का जो, क्योंकि एक इतना जल्दी मैट्रिक के बाद डिप्लोमा में जाना, क्योंकि इंटरमीडिएट करने के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आ जाता है और उसके बाद आप एक साल आईटी की तैयारी करते हैं फिर बीटेक में जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज आपका हो जाता है 18 साल के आसपास, तब तक आप चीज़ों को समझने लगते हैं। तो कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट मैट्रिक करना उसके बाद फिर डिप्लोमा में चले जाना? शुरू में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोग था वो इंटर से रिलेटेड था, क्योंकि आप इंटर में पढ़े हैं तो डिप्लोमा में क्या होता है ना कि एक साल में 2 साल का कवर कर पाता है। अच्छा, तो 2 साल का जो इंटर का सिलेबस है उसको फर्स्ट ईयर में कवर हो जाता है, 1 साल के अंदर कम्प्लीट करवाता है जो जो उसके लिए जरूरी है, तो होता क्या कि बहुत फास्ट चलता है। तो बहुत सारे बच्चे थे वो इंटर करके आए थे तो उनको तो जल्दी समझ में आता था, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत था क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो थोड़ा समय लगा लेकिन फिर हम लाइन मार कव अप कर लिए। हाँ, और वहाँ पे कुछ अदर तरीके का इशू वगैरह, देखिए स्टार्टिंग में कॉलेज में क्राइसिस वगैरह का भी होता है, क्या ऐसा आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, उससे था सर। तो ये जो आपका पूरा 3 साल का कॉलेज लाइफ रहा, इसको आप अपना लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं? नहीं ये जो रहा ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, नहीं तो फिर ठीक था, सबका जैसे कटा वैसे मेरा भी कट गया, इसको आप कैसे देखते हैं 3 साल के इस डिप्लोमा का जो आपका जर्नी रहा? नहीं तो बहुत अच्छा जर्नी रहा वहाँ पर, मतलब बाकी चीज़ भी सीखने को मिला, जैसे कि इसके पहले थोड़ा सा मेरे अंदर ज़्यादा हेजिटेशन था, या तो आपको किसी को ऑफिस में जाना है या किसी टीचर से भी बात करना है या किसी प्रोफेसर से कहीं से भी, तो एक थोड़ा सा रैगिंग का तो एक कुछ निगेटिव इफेक्ट है, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता मेरे हिसाब से। वैसे रैगिंग होना नहीं चाहिए लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इससे क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि आपके अंदर सहने का पैसेंस थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे कि अगर आपका रैगिंग होता है तो होता क्या है कि आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ता है, जैसे अगर आपके अंदर आपके ऊपर सीनियर का डर है तो आप जो भी एक बैच में जितने जूनियर लोग आ रहे हैं तो आप मान लीजिए 300 जूनियर, तो 300 के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक ग्रुप में आप 15 20 25 30 आराम से रहेगा, जिससे आपका संपर्क रहेगा, तो एक इम्यूनिटी बढ़ता है इससे। तो ये लगता है कि आपने वहाँ पर गेन किया। अच्छा, ओवरऑल फिर आपका डिप्लोमा का जो वो रहा था सेकंड ईयर जो रहा था उसमें आपको बेसिकली क्या सीखने को मिला डिप्लोमा के सेकंड ईयर में? डिप्लोमा के सेकंड ईयर में सारा जो ब्रांच पेपर था वो शुरू हो, ब्रांच आपका मैकेनिकल था। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है
फाउंडेशन बैच कोर्स किसके लिए, तो RRB NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, सैफिली राठौड़, उसके बाद आनंद पांचाल, अभिषेक मिश्रा, रजत कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमारा कूपन सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, जनरल अवेयरनेस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जनरल साइंस कवर होगा। हमारा कूपन कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए हो तो हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा, उमंग स्टडी, UMANG STUDY, बिना स्पेस के, आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथली प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड, 150-200 रुपया मंथली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, आप आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।